जबलपुर के साथ दुर्भाग्य है, न जाने क्यों वो फ्लाइट बंद कर दी गई। जरूरी है मुद्दों को आवाज देना, पर संघर्ष चलता रहेगा ये सारी बातें। मध्य प्रदेश के जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट 450 करोड़ रुपए से बना था, जो अब सफेद हाथी सा बन गया है। उम्मीद की जा रही थी कि एयरपोर्ट बनने के बाद हवाई सेवा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लिहाजा स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई की विमान सेवा को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने एयरपोर्ट से अपना सारा कामकाज समेट लिया है। शहर में बंद हो रही फ्लाइट्स को लेकर जबलपुर के फ्लायर्स का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से डुमना एयरपोर्ट का विस्तार किया गया था, लिहाजा देखते ही देखते लोगों को उम्मीद थी कि फ्लाइट इससे बढ़ेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। लिहाजा अब डुमना एयरपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं सफ़ेद हाथी सा बन गया है। अभी हाल ही में स्पाइसजेट ने दिल्ली और मुंबई की उड़ानें जो हैं बंद कर दी हैं। हमारे साथ कुछ फ्लायर्स भी मौजूद हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं कि इस सेवा के बंद होने से जबलपुर के फ्लायर सहित महाकौशल के फ्लायर्स पर क्या असर पड़ेगा। सर, स्पाइसजेट ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। स्पाइसजेट की ओवरऑल जो माली हालत है बहुत अच्छी नहीं है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जबलपुर और अन्य शहरों की भी स्पाइसजेट ने फ्लाइट्स बंद करी हैं। जबलपुर के साथ दुर्भाग्य ये है कि जितना बिजनेस जबलपुर की जनता ने स्पाइसजेट को इतने वर्षों में दिया है, वो और एक अकेली कंपनी ने कई रूटों पे अपनी विमान संचालित किए, आज दुर्भाग्य है कि उसने अपने सारे ऑपरेशंस यहाँ से बंद किए, अपना काउंटर भी क्लोज किया है एयरपोर्ट से, और पूरा बिजनेस उन्होंने वाइंड अप किया है। उनके अंदरूनी जो समस्याएँ हैं उसको उससे अलग होते हुए मैं तो ये कहना चाहूँगा, हम सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए कि अब स्पाइसजेट की जगह जो अन्य विमान कंपनियां जो इस रूट में अभी तक नहीं आई हैं, उनके पास हमारे सक्षम लोग, हमारे राजनीतिक, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, चैम्बर्स हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, चिकित्सक हैं, वकील हैं, सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें कि हम लोग को अन्य शहरों की जो फ्लाइट्स है वो विभिन्न दूसरी कंपनियों से मिले। और भी कुछ फ्लायर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये वायु सेवा संघर्ष समिति के बैनर तले अभी एक मीटिंग का भी आयोजन किया गया, उस मीटिंग में क्या बातचीत की गई हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या मीटिंग में निष्कर्ष निकला? मीटिंग में जो मुद्दे हैं कि और शहरों में अन्य शहरों से कैसे किया जाए एवं कैसे शहर के सारे नागरिकों को साथ लाया जाए और चीज़ों को अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का विरोध करते हुए, सबको साथ रखते हुए सबकी बातों को सुनते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए पॉजिटिवली, उसकी एक तैयारी। 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट बनाया गया था, उम्मीद थी कि बहुत सी फ्लाइट आएंगी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ और निकल रहा है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि मैं बोलूँगा अभी हमें सफलता भी मिली। रिसेंटली हमें मुंबई की फ़्लाइट मिली, बैंगलोर की फ़्लाइट मिली, सुनने में आया पुणे की फ़्लाइट मिलेगी। तो संघर्ष चलता रहेगा, ये सारी बातें जबलपुर की है, जबलपुर को एक करने की और जबलपुर के विकास की। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये एयरपोर्ट बना है बहुत जल्दी हम एक फीडबैक पर आएंगे जब हम ये कहेंगे नहीं 450 रुपये वसूल हो गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 450 करोड़ रुपये जो खर्च हुए हैं वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन स्पाइसजेट की जो फ़्लाइट बंद हुई है, लेकिन उसके बदले अभी जो एक इंडिगो की फ़्लाइट है वो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा और ट्रेन में भी इसका दबाव देखने को मिलेगा। कैसे देखते हैं आप? बहुत ज़रूरी है कि जबलपुर एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स और जगह के लिए चालू हो। मुझको याद है जब बैंगलोर से स्पाइसजेट की फ़्लाइट होती थी 100% ऑक्यूपेंसी होती थी, परंतु न जाने क्यों वो फ़्लाइट बंद कर दी गई। अभी मैं पिछले 16 सितंबर को बैंगलोर से आया हूं, तब भी फ़्लाइट फुल थी, और आई होप ये कंटिन्यू करेंगे। और इंडिगो से उम्मीद है कि वो दूसरी फ़्लाइट्स हमारे पुणे, अहमदाबाद और चेन्नई के कनेक्टिविटी दे, क्योंकि स्पाइसजेट का भी शायद उनका कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, पर हमको इंडिगो को ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि वो जबलपुर को उसका पुराना एयर कनेक्टिविटी के मैप पर लाए। ग्वालियर आगे बढ़ रहा है, भोपाल आगे बढ़ रहा है, इंदौर आगे बढ़ रहा है, फिर जबलपुर पीछे क्यों? नमस्कार, बहुत ही सही सवाल है आपका, और हमारा नाम है प्रीति चौधरी और हम जबलपुर के रहने वाले हैं। देखिए, अगर विकास की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो है वो जन भागीदारी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, उनके एक सामंजस्य और एक समन्वय से वो सारी बातें निकल कर आती हैं। तो जहाँ तक हम जबलपुर की बात करें तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही आवश्यक है कि जो यहाँ के मुद्दे हैं वो ना सिर्फ यहाँ की जनता
जिनके पास इतना बड़ा एक बेस है, इतना अधिकार है, वो जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर मुद्दों की बात उठाए, तभी जो हम हैं वो इंदौर या ग्वालियर या फिर अब आप ये भी कह लीजिए कि उज्जैन की कुछ बराबरी या फिर उनसे आगे निकल पाएं। तो ज़रूरी है मुद्दों को आवाज़ देना, पर अपने जनप्रतिनिधियों के साथ में मिलकर उनके द्वारा आवाज़ उठाते हुए उनका निराकरण कराना। निश्चित तौर पर ये जो लोग थे उनका ये कहना है कि भले ही फ्लाइट बंद हो गई हो, लेकिन जनप्रतिनिधि सभी तमाम वर्गों को लेकर एक बार फिर प्रयास किए जाएंगे और जबलपुर में फ्लाई सेवा जो है इसको बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद, जबलपुर।